हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू देसी डिलाइट। मैं हूँ जूही और आज मैं आपको आलू और दही की एक झटपट रेसिपी दूंगी, जिसे हम दही वाले आलू कहते हैं। इसे आलू मट्ठे भी कहते हैं या आलू कड़ी भी कहा जा सकता है। यूपी तरफ का यह एक पारंपरिक डिश भी है और तकरीबन 10 मिनट के अंदर यह रेसिपी बनकर आराम से तैयार हो जाता है। रोटी हो या चावल, दोनों के साथ ही ये रेसिपी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स से। आलू मट्ठे बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है उबले हुए 4 आलू और लेंगे 1 से 1.5 कप दही। इस रेसिपी में आप मट्ठा का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने लिया हुआ है 1 प्याज बारीक बारीक कटा हुआ, कुछ फ्रेश करी पत्ते, धो लें इसे, नमक जाएगा स्वाद के अनुसार, 1 छोटा चम्मच जीरा लेंगे, 1 छोटा चम्मच लेंगे हल्दी का पाउडर और 1 छोटा चम्मच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तीखा पसंद करते हैं तो नॉर्मल वाला यूज़ करें। और लेंगे 1 छोटा चम्मच राई और हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा हींग एंड कुकिंग ऑयल। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसे गर्म कर लेंगे और उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल 1 to 2 tablespoons। और इस वक्त हम हाई फ्लेम ही मेंटेन करेंगे और इसमें जाएगा जीरा, साथ ही में राई। इन्हें हल्का सा क्रैक होने दें। चलिए जैसे ही जीरा और राई सुनहरा हो जाए, इसके अंदर हम डाल देंगे करी पत्ते। पंद्रह से 20 सेकंड के लिए करी पत्ते को भी हम सुनहरा होने देंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे प्याज, हाई फ्लेम पे ही हम प्याज को भून लेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। चलिए जब तक हमारा प्याज भून रहा है, हम दही में थोड़ा सा पानी डालकर इसे फेंट लेते हैं इस तरह से। और अगर आप मट्ठा यूज़ कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को स्किप कर देंगे। इस तरह से पानी डालकर फेंट लेंगे और पतला कर लेंगे। इधर हमारा प्याज भी भुन गया है जैसा हमें चाहिए, तो बस इसके अंदर हम फेटा हुआ दही ऐड कर देंगे। और इसे कंटिन्यूअस हिलाते हुए हम दही के अंदर उबाल आने देंगे। और फ्लेम भी हमारा इस वक्त हाई पे ही है। चलिए इसके अंदर हल्दी भी डाल देते हैं, साथ में ही लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं। मिला देंगे सभी चीजों को। जब तक दही में उबाल आ रहा है, तब तक चलिए हम आलूओं को इस साइड मैश कर लेते हैं। इस तरीके से हम आलूओं को हाथ से ही तोड़ लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं तोड़ेंगे। इस तरीके का हम तोड़ लेंगे आलूओं को। और आप देख पा रहे होंगे कि दही में उबाल अच्छे से आ गया है। इसके अंदर हम डाल देंगे ये मैश किया हुआ आलू और दही के अंदर इसे अच्छे से मिला देंगे। अभी लास्ट में हम इसके अंदर डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और नमक मिला देंगे और सभी चीज़ों को हम साथ में तकरीबन 2 मिनट के लिए और पका लेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि जो दही है और जो आलू है वो आपस में वेल कम्बाइंड हो जाए। तो लीजिए, हमारा झटपट आलू मट्ठा बनकर तैयार है।
इसे आप रोटी या चावल के साथ एंजॉय कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।